Hi kids, welcome to today's English class. I am back with a new chapter of your class 7 series, that is Literary Journeys, an English reader by Brain Root Publications. And today we shall begin with lesson number 8, unit 3, which basically aims at developing social skills. Alright, so aaj hum shuru kar rahe hain chapter number 8, जिसका टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स यानी 20 साल बाद. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. दो दोस्तों की स्टोरी है जो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और बड़े होने के बाद अपने अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं और 20 साल बाद वो जब मिलते हैं तो क्या क्या उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में या उनकी मुलाकात कैसी होती है, ये स्टोरी इसी के बारे में है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's do the warm-up exercise first. In the story, two friends made a promise to meet at a specific place 20 years ago to see how their lives had progressed. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो बहुत गहरे दोस्त जो कि बचपन के मित्र थे, ये बेसिकली अलग अलग रास्तों पे निकल जाते हैं अपनी अपनी किस्मत को आजमाने. और 20 साल बाद ये प्रॉमिस करते हैं, बेसिकली इन्होंने जब ये जा रहे थे कुछ इनकम करने, कुछ बनने के लिए, तब इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि आज से 20 साल बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद हम देखेंगे कि हमने ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया है. When they reunite, one friend has become a notorious criminal, while the other is now a policeman. अब दोनों दोस्त जब 20 साल बाद मिलते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक जो है काफ़ी भयानक एक क्रिमिनल बन गया है. ठीक है, मतलब ही इज़ अ वांटेड क्रिमिनल. वेयर एज द अदर पर्सन, द अदर फ्रेंड इज़ अ पुलिसमैन. जो दूसरा दोस्त है वो पुलिस सर्विसेज में है. डिस्पाइट रिकॉग्नाइजिंग हिज ओल्ड फ्रेंड, द पुलिसमैन अपहोल्ड्स हिज ड्यूटी एंड अरेस्ट्स हिम, ऑनरिंग बोथ देयर फ्रेंडशिप एंड हिज कमिटमेंट टू लॉ. और बहुत ही अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी जो पुलिसमैन हैं वो अपने फ़र्ज को पीछे नहीं छोड़ता, वो दोस्ती को भी निभाता है और दोस्त को गिरफ्तार करके अपना जो काम है, अपने काम के प्रति जो उसका दायित्व है उसको भी पूरा करता है. सो बेसिकली दैट फ्रेंड हु इज़ अ पुलिस मैन, ही ट्राइज टू ब्रिंग्स अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. ऑलराइट, इफ़ यू कुड कुक अप द परफेक्ट फ्रेंड, व्हाट स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स वुड यू इंक्लूड? What is your best friend like? What qualities do you think are important for a friendship to be healthy? Write down the list of ingredients of friendship. So as you can see, the child is cooking something. तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई रेसिपी होती, आपके पास कुछ शक्ति होती जिससे आप एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं कि मुझे मेरे दोस्त में ये क्वालिटीज़ चाहिए, ऐसा दोस्त अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात हो, तो आप अपने दोस्त में कौन कौन सी वो इंग्रेडिएंट्स या खूबियाँ डालना पसंद करेंगे. ठीक है, आपको वो सारी खूबियों की एक लिस्ट यहाँ लिखनी है. ठीक, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द चैप्टर. और इसके बाद जब आप इंग्रेडिएंट्स बना लें, ठीक है ना, तब क्या करना है, तब उसको मिक्स करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है. Remember to encourage the good ingredients in your friends. और जब आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त में जितने भी हो सके अच्छे से अच्छे गुण डाल सकें. Now remember to incorporate all these quality in yourself and be the best example of a friend. और जब आपने दोस्त बना लिया अच्छा सा, तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए आपको भी उतना ही अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि हम दोस्ती किसके साथ करते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा सिमिलैरिटी है. राइट, जिन लोगों के साथ हम सिमिलर रहते हैं उनके साथ ही हमारी दोस्ती होती है. तो इनके साथ दोस्ती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम में भी वो सारे गुण हो जो हमने अपने फ्रेंड के रेसिपी में यूज़ किए हैं. सो दैट इज़ व्हाई वी शुड ऑल्सो इम्बाइब और इनकल्केट दोज क्वालिटीज़ इन आवर सेल्फ ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी. Read this story to find out what happened when two friends kept their promise to meet after 20 years. तो क्या हुआ जब दो दोस्त 20 साल बाद मिले? The policeman on the beat moved up the avenue impressively.
The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. Spectators का मतलब होता है जो लोग आपको देख रहे हैं, the people who are watching you. Alright? जब हम सड़क पे चलते हैं तो कई लोग हमें देखते हैं, जो भी हमारी तरफ देख रहे हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, spectators. So the story starts with a policeman. एक policeman जो है rounds ले रहे हैं avenue मतलब road. Alright? Street. तो वो एवेन्यू के चक्कर लगा रहे हैं और उनका जो चाल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, यानी लोग उनकी चाल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं. और ये जो चाल है ये कोई बनावटी चाल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उनमें है, उनकी पर्सनालिटी ही अपने आप में ऐसी है. ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड दैट इज़ वाई पीपल एडमायर्ड हिम. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट. But chilly gusts of winds with the taste of rain in them had nearly developed the streets. अब रात के लगभग 10 बज रहे थे, ठीक है, लेकिन ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी. ठंडी ठंडी हवाएं ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई थी और उसी हवा के साथ धीरे धीरे जो है बारिश भी आ रही है, ठीक है. Trying doors as he went, the officer with his stalwart from the slight swagger made a fine picture of a guardian of peace. The officer is carrying a kind of sword in his hand and when he is swinging it, jab wo apni lathi ko swing karte hue round laga rahe hain to unka jo style hai, jo mannerism hai, wo kafi lubhavna hai. And not only that, he seems to be a guardian of peace. उनको देख के लगता है जैसे वो शांति के दूत हैं या शांति की मूरत हैं. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. अब ये policeman जो चक्कर लगा रहे हैं, वो अचानक एक block पे आकर एक hardware store के सामने रुक जाते हैं और क्या नोटिस करते हैं कि वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है. एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली. अब नाउ यू कैन सी दीज टू पीपल आर देयर. ऑलराइट, सो एज द पुलिसमैन केम नियर टू द पर्सन, द अदर पर्सन, द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग नियर द स्टोर, जो खड़ा था वो बोलने लगता है. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? तो वो जो आदमी है जो वेट कर रहा है हार्डवेयर स्टोर के बाहर, वो बताता है कि सब कुछ ठीक है ऑफिसर, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं यहाँ खड़े होकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ. मैंने अपने दोस्त से करीब 20 साल पहले वादा किया था कि मैं आज उसको यहाँ पर मिलूँगा. शायद आपको सुन के यकीन नहीं हो रहा है ना, ऐसा ही कुछ है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूँ. इट इज़ रियलिटी कि मैंने अपने दोस्त को वादा किया था और मुझे यकीन है कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा. वेल, आई विल एक्सप्लेन यू इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टन इट्स ऑल स्ट्रेट. अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. सो द पर्सन स्टार्टेड टेलिंग. उन्होंने कहानी बतानी शुरू की कि अगर आपके पास समय हो और अगर आप उल्टा सीधा ना सोचें तो मैं आपको कुछ बताता हूँ. आज से 20 साल पहले ये जो हार्डवेयर स्टोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हार्डवेयर का स्टोर नहीं हुआ करता था, बल्कि इसकी जगह एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट हुआ करता था. और उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? बिग जो बाडीज रेस्टोरेंट. ओके, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. अंटिल 5 years अगो द पुलिसमैन, इट वॉज टॉर्न डाउन देन. और जो पुलिसमैन है उसने इमीजिएटली बोला कि हाँ, और 5 साल पहले ही इस स्टोर को बनाया गया है, मतलब उस रेस्टोरेंट को डिमोलिश करा गया है, तोड़ा गया है और उसकी जगह ये स्टोर आया है. तो ये जो स्टोर है ये सिर्फ अभी बहुत ही हाल फिलहाल में 5 साल पहले ही बना है. The man in the doorway had a pale square jaw with face, keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set.
Now this particular man, he was having a scar near his eyebrow. आँखों के पास एक white color का scar था और काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और एक अच्छा सा scarf पहना हुआ था जिसको diamond pin से tuck किया गया था. So appearance से ही पता चल रहा था कि ये जो आदमी है इसके पास काफ़ी पैसा है. Alright? 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. Now children, यहाँ पे हम एक word पढ़ रहे हैं जो है chum. Alright, यहाँ chum का मतलब है friend. Okay? प्यार से दोस्त को नाम से बुलाना, that is chum. तो दिस पर्टिकुलर पर्सन स्टार्टेड टेलिंग कि आज से 20 साल पहले इस रेस्टोरेंट में मैं अपने दोस्त जिमी वेल्स के साथ बैठा हुआ था. जिमी वेल्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरे हिसाब से वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है. ही एंड आई वर रेज्ड इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर. आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून. तो फर्दर उस आदमी ने बताया कि मैं और जिमी बचपन से ही दोस्त थे, हम भाइयों की तरह बड़े हुए हैं, हमारी परवरिश न्यूयॉर्क के शहर में हुई है और मैं 18 साल का था और जिमी मुझसे 2 साल बड़ा यानी 20 साल का था. और उस दिन के अगले दिन बेसिकली लास्ट जब मैं उससे मिला 20 साल पहले, उस रात को जब हम डिनर कर रहे थे, अगले दिन मुझे यहाँ से बाहर जाना था क्योंकि मैं अपनी किस्मत को आजमाना चाहता था, मैं कुछ ट्राई करके देखना चाहता था कि मैं लाइफ में कुछ बन सकूं. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून. यू कुडंट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ. वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हेयर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम. No matter whatever conditions might be or from what distance we might have come to. So, finally, उस दिन मैंने और जिमी ने एक दूसरे से एक वादा किया. We promised each other. And what was the promise? कि आज से 20 साल बाद हम कहीं पे भी हों, किसी भी जगह हों, लाइफ में हमने कुछ हासिल किया हो, नहीं किया हो, कोई भी हमारी कंडीशन हो, लेकिन हम आज आकर एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे. It sounds pretty interesting, said the policeman. Haven't you heard from your friend since you left? तो policeman ने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी and finally बोला कि काफ़ी interesting story है, क्या आप उसके बाद कभी अपने दोस्त से नहीं मिले, मतलब कभी उनसे बात फ़ोन पे या किसी चिट्ठी में कभी उनसे कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई? Well, yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proposition and I kept hustling round over it pretty lively. तो उन्होंने बोला जवाब में, जब पुलिसमैन ने पूछा कि आप लोग एक दूसरे के टच में नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ 1-2 साल तक तो हम लोगों ने एक दूसरे से फ़ोन कॉल्स पे भी बात की, चिट्ठी भी लिखा, एक दूसरे के टच में भी थे, लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल बाद ये जो सिलसिला है ये कम होता चला गया और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो गए. मतलब एक दूसरे की खोज खबर रखना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे हम दोनों ही अपने अपने काम में एंगेज हो गए. इनफैक्ट मैं खुद ही अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया या इतना मसरूफ हो गया कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने दोस्त का खबर ले सकूं. बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ ही इज़ अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड. ही विल नेवर फॉरगेट. आई केम 1,000 माइल्स टू स्टैंड इन दिस डोर टुनाइट एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्ड फ्रेंड टर्न्स अप. सो द मैन फर्दर एडेड कि मैं कई मील दूर से चलकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा जो दोस्त है वो ज़रूर मुझसे मिलने आएगा, है ना. और ऐसा क्यों लगता है मुझे, क्योंकि जितना मैंने जिमी को जाना है, क्योंकि हम सब दोनों साथ में बड़े हुए हैं, तो मैं जितना जिमी को जानता हूँ, जिमी कभी भी झूठ नहीं बोलता, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट. अगर वो ज़िंदा होगा
तो अपना वादा निभाने के लिए ज़रूर आएगा मुझसे मिलने के लिए. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स 3:50 to 10 ही अनाउंस्ड. इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock वेन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर. सो फाइनली जो वेट करने वाला यानी जो इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्त का, उन्होंने क्या किया, इमीजिएटली अपनी घड़ी से एक पॉकेट वॉच निकाला. वो वॉच भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, चारों तरफ जो नंबर्स के आसपास उस वॉच में डायमंड्स लगे हुए थे. एंड ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड सेड कि 10 मिनट बचे हैं, अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. एग्जैक्टली आज से 20 साल पहले रात को 10 बजे हम यहाँ से बिछड़े थे. Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. So, जो पुलिस था उसने पूछा, आपको देख के लगता है आपके अपीयरेंस से कि आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है वेस्ट में, मतलब आपकी किस्मत ने आपका काफ़ी साथ दिया है. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to complete with some of his sharpest wits going to get my pile. A man gets in the groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. So finally, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना, काफ़ी कुछ किया है और मैं अपने दोस्त के लिए भी यही उम्मीद करता हूँ. वो तो न्यूयॉर्क छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क सबसे अच्छी जगह लगती है दुनिया की, और न्यूयॉर्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं as compared to the out the western countries. New York में शायद इतनी opportunities नहीं है, तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने जितना popularity हासिल किया है या जितना भी मैंने earn किया है उसका आधा भी Jimmy ने कर लिया हो, क्योंकि Jimmy हमेशा से ही बहुत शांत स्वभाव का था, वो कभी भी पैसों के पीछे भागता नहीं था. और New York में आपको उतनी opportunities भी नहीं मिलती, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो आपको जो है अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम कर देता है, पॉलिश कर देता है. द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप ऑर टू. ट्विल्ड हिज क्लब, यहाँ क्लब का मतलब है जो हाथ में स्टिक वो होल्ड कर रहे हैं, मोटा सा जो डंडा होता है पुलिसमैन के हाथ में उसकी बात चल रही है. उन्होंने उस क्लब को एक बार घुमाया और थोड़ा सा आगे बढ़े फिर पीछे आए. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp. I should say not, said the other. I'll give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. So finally, police officer ne bola ki theek hai, aap wait kijiye, main aage badhta hu, mujhe kuch kaam hai. Waise क्या आप यहीं खड़े रहेंगे या 10 बजे के बाद ही चले जाएंगे? तो जो आदमी वेट कर रहा था उन्होंने एकदम से बोला कि नहीं नहीं ऑफिसर, अगर मेरा दोस्त ज़िंदा होगा तो वो आज मुझसे मिलने ज़रूर आएगा, वो कभी भी अपना वादा नहीं भूलता. तो एग्जैक्टली 10 बजे तक तो नहीं, मैं यहाँ और आधा घंटा वेट करूँगा, अगर वो है इस दुनिया में तो इस दौरान वो ज़रूर आकर मुझसे मिलेगा. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. So he immediately said good night and then he went for a round slowly and gradually. All right. About 20 minutes the man waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. Now can you see another person? He is wearing a long overcoat, right? So after 20 minutes, like this particular man, he waited for 20 minutes. करीब 20 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद एक आदमी रोड के दूसरी तरफ से उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला गया. All right? Is that you, Bob? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. तो एकदम से उस आदमी ने कहा, क्या तुम बॉब हो? बॉब ही होना. और जिमी ने भी अपना नाम सुनते ही बॉब ने अपना नाम सुनते ही क्या बोला, क्या तुम जिमी वेल्स हो? दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का कन्फर्मेशन लिया बेसिकली. ओके, सो बाय दीज लाइन्स वी कम टू नो अबाउट हिज नेम. जो इंसान इतनी देर से वेट कर रहा है उसका नाम है बॉब.
और जिसका वो वेट कर रहा है उसका नाम है जिमी विल्स, ठीक है। ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम द न्यू अराइवल, न्यू अराइवल मतलब द न्यू पर्सन, ओके। ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विद हिज ओन, इट्स बॉब श्योर एज फेट, आई वॉज सर्टन आई वुड फाइंड यू हेयर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस, वेल 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 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। अब जो आदमी है उसने इमीजिएटली बॉब का हाथ कस के पकड़ लिया एक्साइटेडली और बोलने लगा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था इतने सालों से, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे अगर तुम जिंदा रहोगे, और देखो आज 20 साल बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऑलराइट, द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर, हाउ वॉज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। सो फाइनली ये जो नए व्यक्ति हैं जो अपने आप को जिमी बता रहे हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा बॉब अगर यहाँ पे वो पुराना रेस्टोरेंट होता तो आज फिर से हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते, आज फिर मैं तुम्हें डिनर पर लेके जाता। अब बताओ तुमने 20 साल में क्या किया, कैसे ये जो तुम वेस्टर्न कंट्रीज़ में घूमे वहाँ पे किस तरह से तुमने सर्वाइव किया, तुम्हें क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ का तुम्हारा अनुभव रहा है। Bully, it has given me everything I asked it for. You have changed lots to me. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. So similarly, Bob ने Jimmy से बात करते हुए बोला कि काफ़ी कुछ मिला है मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने की वजह से, मेरी किस्मत ही बदल गई और मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने हासिल किया है, लेकिन तुम बताओ तुम में इतना चेंज कैसे आ गया, ये अचानक तुम्हारी जो हाइट है वो 2-3 centimeters बढ़ कैसे गई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। ओह आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। तो इमीजिएटली उस आदमी ने बोला हाँ यही 20 साल के बाद थोड़े सा मेरा हाइट बढ़ गया बाई चांस। तो बॉब ने पूछा तुम बताओ तुमने मेरी तो सुन ली, तुम क्या कर रहे हो, न्यूयॉर्क में अच्छी तरह से सेटल्ड हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मॉडरेटली आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, कम ऑन बॉब वील गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। तो इमीजिएटली उस इंसान ने बॉब से कहा कि एक काम करते हैं बॉब, मैं ठीक ठाक काम कर लेता हूँ यही शहर के सिटी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, चलो कहीं लेके चलता हूँ उस जगह को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वहाँ बैठ के अपने पुराने दिनों की बातें करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, द मैन ऑफ द वेस्ट हिज ईगोइटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस वाज बिगनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर, द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट लिसन्ड विद इंटरेस्ट। अब दोनों फ्रेंड्स जो हैं सड़क पर चलने लगे हाथ में हाथ डाल के, और जो आदमी वेस्टर्न कंट्रीज से आया था इतने सालों बाद न्यूयॉर्क वापस आया है, मतलब बॉब, वो अपने सारे लाइफ के किस्से कहानियाँ शेयर कर रहा है अपने दोस्त के साथ, और जो उसका दोस्त है जो दूसरा आदमी है ओवरकोट में वो चुपचाप धीरे धीरे वो बातें सुनते हुए बॉब के साथ चल रहा है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the west stopped suddenly and released his arm. अब दोनों चलते चलते सड़क के किनारे एक ड्रग स्टोर था, ड्रग स्टोर का मतलब मेडिसिन शॉप, और उस मेडिसिन शॉप के बाहर काफ़ी सारे लाइट बल्ब्स लगे हुए थे जिसकी वजह से वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा ब्राइटली लिट था, यानी काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। जब दोनों ही लोग उस जगह पे पहुँचे दोनों ने एकदम से एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे की शक्ल देखी, और जैसे ही बॉब ने दूसरे इंसान की शक्ल देखी उसने एकदम से वो रुक गया चलते चलते और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, मतलब हाथ जो पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी विल्स ही स्नैप्ड, 20 years इज अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग एनफ टू चेंज अ मैंस नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग। तो इमीजिएटली The man left the hand of the other person and said, कि you are not Jimmy Wells, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम्हारी नाक की शेप मेरे फ्रेंड से नहीं मिलती, 20 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, ये ज़रूर सही है, कई कुछ चीज़ें बदल सकती हैं लेकिन किसी की
फेशियल फीचर्स नहीं बदल सकते. नो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो. इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इन टू बैड वन, सेड द टॉल मैन. यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, सिल्की बॉब. शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर अवर वे एंड वायर्स अस. शी वॉन्ट्स टू हैव अ चैट विद यू. गोइंग क्वाइटली, आर यू? That's sensible. Now, before we go on to the station, here's a note I was asked to hand to you. You may read it here at the window. It's from Petrol Man Wills. So, immediately what happened? Immediately, उन्होंने क्या respond किया? उन्होंने बोला, हाँ, 20 years किसी की नाक बदल जाए या किसी का चेहरा बदल जाए, ऐसा नहीं होता. लेकिन 20 years में एक इंसान अच्छे से बुरा बन सकता है. वेलकम सिल्की बॉब. तो उसने क्या बोला इसका नाम? उसका नाम सिल्की बॉब बोला. उसने बोला, वेलकम सिल्की बॉब, यू आर अंडर अरेस्ट फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स. आप पिछले 10 मिनट से अंडर अरेस्ट है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ. शिकागो की पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ज़रूर न्यूयॉर्क आए होंगे, इसीलिए उन्होंने हम लोगों को, मतलब यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया था ताकि हम नज़र रख सकें और आपको पकड़ सकें. एंड फाइनली आप पकड़े गए हैं. चलिए पुलिस स्टेशन, आपके साथ कुछ बातचीत करनी है. सो डू यू नाउ रियलाइज चिल्ड्रन, दिस बॉब पर्सन जो महंगे कपड़े, डायमंड पेन, डायमंड वॉच लेके घूम रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ही इज़ अ वॉन्टेड क्रिमिनल. ऑल राइट, नाउ बिफोर मूविंग टू द पुलिस स्टेशन, दिस person, this officer, he gave a note to this person ki before going to the police station, this is a note, you can read it here. Aap ye ek chitti chota sa message hai aapke liye jo ki petrol man wells ne diya hai, aap isko padh sakte hain yahi pe. Kya note hai, let's find out. The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he finished. The note was rather short. So, उसने नोट लिया, यानी सिल्की बॉब जो बॉब था उसने नोट लिया, और जब वो नोट पढ़ना शुरू किया था उसने, तब उसका हाथ बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे जैसे उसने नोट को फिनिश किया धीरे धीरे उसका हाथ काँपने लगा. क्या था नोट में? बॉब, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow, I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job. Jimmy. So, वो चिट्ठी किसने लिखी थी? वो चिट्ठी जिमी ने लिखी थी, और जिमी ने बॉब को एड्रेस करते हुए बोला था कि बॉब, जब तुमने सिगार पीने के लिए मैच स्टिक लाइट किया था, उस रोशनी में ही मैंने तुम्हारा शक्ल देख लिया था, और उस शक्ल को देखते ही मैं पहचान गया था कि इस इंसान को शिकागो पुलिस पकड़ने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रही है. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और इसीलिए मैं वहाँ से चला गया और मैंने किसी और इंसान को भेस बदल के तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है. एंड then signed किया Jimmy. All right. So that means, have you understood कौन था वो policeman? जो पहला policeman मिला था Bob से, वो actually Bob का दोस्त Jimmy Wells था, जो खुद भी आज एक policeman बन चुका है. लेकिन क्योंकि वो अपना दोस्ती का फ़र्ज भी निभाना चाहता था और अपना काम का दायित्व भी निभाना चाहता था, दोनों में बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो दोस्त से मिला भी, दोस्त से बात भी की, लेकिन दोस्त को खुद गिरफ्तार नहीं किया बल्कि दूसरे किसी से गिरफ्तार करवाया. बिकॉज ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज नॉट ऑन द राइट पाथ. उसका फ्रेंड जो भी कर रहा है वो सही नहीं है. ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी. द स्टोरी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी बाय सेम नेम आफ्टर 20 years. ठीक है, so let's quickly revise the word meanings. On the beat means somebody taking rounds, especially the police officer, when the police officer is taking round of a particular area. All right, depeopled means compelled people to empty a place, means kisi jagah se insaan ko hatana. Stalwart means strongly built. All right,
Swagger means a confident walk. Clear? Reassuringly means restoring confidence. Preposition means an area to explore, जहाँ पे आप बहुत तरह तरह की चीज़ें की खोज कर सकते हैं. And staunchest means someone who works hard at a steady place, यानी कि कोई जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है. क्लियर? सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, दैट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो एक एक करके इनको करेंगे. फर्स्ट वन, व्हाट टाइटल कैन बी गिवन टू दिस स्टोरी. इट्स अबाउट टाइम, टाइम इज टिकिंग, आफ्टर 20 ईयर्स फ्रेंड्स रियूनियन. तो ऑफकोर्स आफ्टर 20 ईयर्स 20 साल बाद टाइटल, ठीक है. सेकेंड वन, वॉट इज द प्रॉब्लम इन द स्टोरी. द पुलिस ऑफिसर इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, गाय इज स्मोकिंग अ सिगार, फ्रेंड्स हैवन सीन ईच अदर इन 20 ईयर्स, द रेस्टोरेंट इज टॉर्न डाउन. सो हियर द प्रॉब्लम कैन बी दिस, पुलिस ऑफिसर इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट बिकॉज यूजली वेन द पुलिस पेट्रोल्स दे आर ऑन बाइक्स. ऑल राइट. नेक्स्ट, वॉट वॉज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट. जो डोनल्ड्स, बिग जो ब्रैडीज, बीफ ओ ब्रैडीज और जोज क्रैश पैक. सो बिग जो ब्रैडीज इज द राइट आंसर. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट सेज विच सेंटेंस बेस्ट डेवलप्ड द सस्पेंस इन द स्टोरी. इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसने मतलब स्टोरी में सस्पेंस बनाए रखा. Jimmy doesn't turn up for 20 minutes. The restaurant has been torn down. The rain falls. The first policeman interviews him. तो हमें सस्पेंस कैसे पता चलता है स्टोरी का. हमें सस्पेंस फर्स्ट डी पार्ट से पता चलता है, जब फर्स्ट पुलिसमैन उस इंसान से बेसिकली इंटरैक्ट करता है. राइट, उसी से तो हमें पता चलता है कि वेदर किस लिए वो इंसान वेट कर रहा है, क्या उसका दोस्त उससे मिलने आएगा या नहीं आएगा, ऑल दीज थिंग्स. The phrase on the beat means moving around, hitting everything with a stick, walking around the assigned area on duty, marching with heart beating fast, beating with drums. So B exercise or B sentence is more correct. Walking around the assigned area on duty. Yani jis jagah pe aapki duty hai wahan pe rounds lena. Clear? Now B exercise, fill in the blanks. We need to fill up these sentences. So let's get started. First one, the officer turned about to be. Officer turned about to be Jimmy Wells. Okay? Officer turned about to be Jimmy Wells. Next, Bob and Jimmy Wells were raised in New York. Dono New York mein bade hue the, right? The word chum means friend. Best friend or friend. Clear? Next, the policeman moved up the street in a very peaceful manner. Peaceful manner. Fifth, Jimmy was dash years older than Bob. So, 2 years older. Jimmy 20 years ka tha and Bob was 18 years. So, Jimmy was 2 years older than Bob. So, we are done with the exercise, children. I hope you have noted down. So with this we finish another story, a very interesting story, full of suspense and thrill, detective wali feeling aina ki kaise kaise dheere dheere mystery unfold ho rahi hai, kis tarah se raaz khul rahe hain, right? So similarly again I would meet you with some new story of your series. So stay tuned for the new videos. Bye bye and take care.